हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और देखिए कितने प्यारे सुंदर सुंदर जो फूल हैं वो मेरी बगिया में खिले हुए हैं। यूफोर्बिया मिली, पूरा प्लांट जो है वो फूलों से भरा हुआ है। पिटूनिया, कलांचो, हबिस्कस, यहाँ पे गेंदा है और यहाँ फिर कलांचो के दो प्लांट और हैं। और ये यहाँ पर येलो वाला हबिस्कस भी खिला है, आज दो फ्लावर्स खिले हैं इसके ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपको अपना गार्डन अपडेट दूंगी। एक्चुअली मैंने जब 1 फरवरी को गार्डन अपडेट दिया था ना, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया अपना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हर 1 को गार्डन अपडेट जरूर बनाया करूंगी। तो ये देखिए लदे हुए लाल लाल रसीले टमाटर, काफ़ी अच्छे से और हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। मैं तो काफ़ी दिन से गार्डन में आई ही नहीं, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज थोड़ी संभली और मैं छत पे आई और काफ़ी देखा कुछ हार्वेस्ट करने वाला है, वो हार्वेस्ट करूँगी और साथ में आपको अपडेट दूँगी। यहाँ कुछ पालक भी हार्वेस्ट करने वाली है, बाकी पालक पक गई है, सीड्स बन रहे हैं पालक में, ये देखिए। और हमारा धनिया भी सारा पक चुका है और ये देखिए धनिया में बीज बन रहे हैं। ये जब पक जाएंगे ना तो ये वो कलेक्ट होगा, हमें जो सूखा धनिया हम किचन में यूज़ करते हैं ना, धनिया पाउडर बना के यूज़ करते हैं जिसका, ये वो उसके सीड्स हैं। सारा देखिए पका हुआ है, सब जगह पे छोटे छोटे से सीड्स जो है वो बन गए हैं। यहाँ देखें तो सरसों भी हमारी पक गई है और ये देखिए इस पे सरसों की फलियाँ बन रही हैं। आप चाहें तो इसे होने दें, इससे हमें काले सरसों के सीड्स मिलेंगे जो हम अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। और नीचे मेथी है, एक बार हार्वेस्टिंग देके मैं इस सबको उखाड़ दूँगी और बस प्याज रहने दूँगी इस क्यारी में। ये देखिए इस क्यारी में ना प्याज लगाए हुए हैं मैंने और वो सब अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, उनको छोड़ दूँगी बस, बाकी सब हटा दूँगी। और यहाँ पर प्रूनिंग के बाद हमारे अनार में फिर से ग्रोथ हुई है और साथ में ही छोटी छोटी सी कलियाँ तो फिर से बन रही हैं। और यहाँ जो मैंने सीड्स लगाए थे समर्स वेजिटेबल्स के, ऑलमोस्ट सारे ग्रो हो चुके हैं। ये देखिए ये खीरा है, सॉरी ककड़ी है, ये खीरा है, लॉन्ग बीन्स हैं और वो मिर्च है। मिर्च के सीड्स जो हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं जर्मिनेशन में, पर हो जाएंगे। बाकी सब देखिए आप सीड अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। पत्ता गोभी, ब्रोकली मैंने ऊपर से हार्वेस्ट कर ली थी और साइड से देखिए कितनी सारी ब्रोकली हैं जो छोटी छोटी और बन रही हैं। यहाँ पर भी ब्रोकली है, ये भी पत्ता गोभी है, ये जुगनी है। जुगनी में कोई प्रोग्रेस नहीं क्योंकि कोई भी मेल फ्लावर्स नहीं है, तो फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो सड़ के गिर रहे हैं। ये देखिए आ तो बहुत रहे हैं पर सब जो है वो ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी, ये कल खिला हुआ था बट कोई भी मेल फ्लावर नहीं था, इस वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाया। यहाँ पर भी ये देखिए जुकनी सारी जो है वो छोटे छोटे फ्रूट सड़ रहे हैं। ये फ्लावर सुबह खिला हुआ था बट कोई रिज़ल्ट हमें नहीं देगा। ये देखिए ये वाली जुकनी भी ख़राब हो जाएगी क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हुआ है। सिर्फ इन प्लांट से मैंने 3 जुकनीज हार्वेस्ट की हैं, उसके बाद से कोई भी जो है मेल फ्लावर्स नहीं आ रहा इसके ऊपर। यहाँ पर हमारे बैंगन के पौधे, इनकी कटाई कर दी थी मैंने और उसके बाद देखिए कितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकली हैं और कितने भर के इनके ऊपर जो है वो फ्लावर हुए आए हैं और इतनी हमें अच्छी जो है इनसे फ्रूटिंग भी मिलेगी। और यहाँ पर है हमारे बीन्स के पौधे, देखिए इन पर कितनी लंबी लंबी जो है वो बीन्स लगी हुई हैं। ये सब आज मैं हार्वेस्ट करूँगी क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने कोई भी हार्वेस्टिंग नहीं की क्योंकि मैं छत पे आई ही नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस चक्कर में कुछ भी मैंने हार्वेस्ट नहीं किया। और यहाँ पर है हमारे मटर के पौधे और देखिए खूब मटर लगे हैं और जो मटर पक गए हैं वो उनको मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देखिए ये हार्वेस्ट हो जाने चाहिए थे 2-3 दिन पहले बट नहीं किए किसी ने और देखिए फिर ये अब पकने शुरू हुए हैं। ये सारे मटर आज मैं हार्वेस्ट करूँगी। ये देखिए कितने सारी जो हैं फलियाँ, ये सब हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इनको हार्वेस्ट करेंगे तभी उसके बाद ही जो ये छोटे हैं ना ये वाले, ये तभी बड़े होंगे जब हम इन जो पूरे बन चुके हैं जिनमें दाना बन चुका है उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। ये सारे मटर आज हार्वेस्ट होंगे। और मटर का फूल देखिए कितना सुंदर होता है ना, ये बिल्कुल अपराजिता के फूल की तरह होता है, जैसे वाइट अपराजिता के फूल होते हैं ना वैसे ही इसका मटर का फूल होता है।
और यहाँ ये देखिए मेरी अंजीर में भी जो है वो फुटाव शो हो गया है। अब बिल्कुल सही समय है अंजीर की कटिंग लगाने का। मैं इस वाली ब्रांच को तो नहीं कट करूँगी, बट जो ये ब्रांच है ना ये ऐसे टेढ़ी सी जा रही है, इस वाली ब्रांच को कट करके इसमें से मैं दो कटिंग्स बनाऊँगी। ये मेरा वो खजूर का प्लांट है जिसकी रीपॉटिंग मैंने आपके लोगों के साथ शेयर की थी। ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है ये। और यहाँ पर ये हमारी गिलोय की बेल है, इसने अभी तक कोई भी जो है वो साइन शो नहीं किया है ग्रोथ का, जबकि मौसम आ चुका है अब गिलोय जो है वो हो जानी चाहिए, बट अभी तक ये ऐसी सूखी हुई है। यहाँ पर एक और बीन्स का प्लांट है और ये देखिए ये भी पूरा बीन्स से भरा हुआ है। ये वाली बीन्स ख़त्म होंगी तो हमारे जो लॉन्ग बीन्स के पौधे फलने लग जाएंगे। मेरे बच्चों को बीन्स बहुत पसंद है तो इसलिए मैं बीन्स ज़रूर लगाती हूँ। और यहाँ पर हैं स्नेक प्लांट के लीफ लगाए थे मैंने, ये मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। और ये देखिए सब में से बेबीज निकल आए हैं और कितने बड़े बड़े हो चुके हैं ये। और ये हमारे वाइट अपराजिता की बेल है, इसने भी देखिए सारे ग्रोथ के जो है शाइन सॉरी ग्रोथ के अपने साइन शो कर दिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग और इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। यहाँ पर भी दो बंद गोभी के पौधे हैं, देखिए दोनों में जो है बंद गोभी बनना स्टार्ट हो गई है। और एक मेरा ये वाला बैंगन का पौधा है, इसकी भी मैंने जो है वो कटिंग कर दी थी, उसके बाद देखिए इसमें फूल आए और दो भरते वाले बैंगन हैं, बनना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी शेयरिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।